टेरी का झील होगा, लगभग लगभग थोड़ा बहुत हर कुछ दिखाई देता है। पुराने घर ऐसे होते थे उत्तराखंड के। माँ चो तो भांगलू जाए मैं तुम्हारे कुड़ियों पर चार तुम्हारो कोई ना रहिया तुम पहन दियो ना बेचिया। और दूल्हा और दुल्हन अभी आ रहे हैं, मैं लोग आपसे नौड़ा व्यापार देगा कागजार दो उन्हें। हाँ आके ना हर किसी के घर पे जाना पड़ता। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम, पहला अगेन वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। वैसे स्वागत आप सभी का मेरे एक नए ब्लॉगर उत्तराखंड के खूबसूरत शिवादी मेरे गांव कोलसर से। तो अभी दिन के एक बज रही है, कल रात को शादी से आने में लगभग लगभग रात की 3 बज चुकी थी और सुबह लेटी उठा 12 बजे के आसपास। तो अभी चल रहा शादी में, क्योंकि आज जो खाना है ना भात है ना तो वही है, तो पूरे गांव वालों का खाना वही रहेगा। तो सो मैं भी चलता हूँ वहाँ खाना खाने। तो अभी खाना खाएंगे हम लोग और जो बराती रहेंगे वो बराती रहेंगे। तो पहाड़ में जो बारात होती है ना तो वो 3 दिन की होती है, एक दिन दुल्हन को लेके आएंगे और आज जो होता है ना दहेज यानी द्वारपट गढ़वाले का एक और पहाड़ों का एक और रूल रहता है कि आज जो है ना पूरे बराती जो है ना मतलब 10-12 लोग और जाएंगे वहाँ उनके घर पे, तो जिसको पहाड़ी भाषा में बोलते हैं द्वारपट को या फिर बोलते हैं दहेज के दिन। तो यहाँ के पंजी है विजय भाई, पृथ्वी भाई, सुंदर भाई और प्रमोद सिंह जो है इनके असिस्टेंट के रूप में काम कर रहे हैं। इस तरह से खाया जाता है पहाड़ों खाना आप देख सकते हैं। और ये सारे स्कूल के बच्चे ही हैं, इनको अलग बैठाया क्योंकि इन्होंने स्कूल जाना है। तो पहाड़ों में क्या है ना टेबल और कुर्सियों का यूज कम ही होता है, मतलब डाइनिंग टेबल का यूज ही कम ही होता है, तो ऐसे जमीन पर बैठ के ही खाना खाते हैं। और अभी शाम के 3:30 हो रहे हैं और अचानक से ना जब बारात जाने का प्रोग्राम बन गया, तो सो मतलब अभी हम जा रहे हैं, बारात तो नहीं आया लेकिन जो द्वारपट होता है मतलब दूसरे दिन जाते हैं। पहाड़ों में एक रिवाज रहता है कि बारात के बाद दूसरे दिन जाते हैं कुछ लोग, 8-10 लोग। तो सडनली हमारा भी प्रोग्राम बन गया बारात जाने का। तो सो हम तीनों, मनोज भाई, अर्जुन भाई, तो हम तीनों ये गाड़ी में हैं, तो हम जाएंगे यहाँ बारात। अभी बारात आने में काफ़ी टाइम, हम लोग थोड़ा पहले ही निकल गए, कुछ हमारा काम था इसलिए हम थोड़ा जल्दी निकल गए। तो सो अभी चल रहे हैं हम थोड़ी देर में यहाँ से बारात, दिखाते हैं आपको एक और दूसरा गाँव। तो हो चुकी है एक नई दिन और नई सुबह की शुरुआत। तो अभी सुबह की 7:30 हो रहा है और 7:30 बजे ही यहाँ धूप लग जाती है। तो अभी मैं, मेरा शादी का ये दूसरा दिन है, तो मैं कल रोड का कुछ भी दिखा नहीं पाया क्योंकि घर से हम लगभग लगभग 4:30 बजे के आसपास लगे और पूरी जब तक हम निकलते तब तक अंधेरा हो चुका था। तो अभी हम शादी में हैं, मतलब दूसरा दिन है शादी का, मतलब द्वारपट जिसको बोलते हैं। तो यहाँ जिस गाँव से शादी है ना, इस गाँव का नाम है डोनिक और यहाँ पर जो है ना हमारी गांव से ना लगभग लगभग 5-6 लड़कियों का ससुराल है, मतलब उनको यहाँ दे रखा है। तो यहाँ आके ना हर किसी के घर पे जाना पड़ता। और मेरी जो अपनी बहन है ना उसका ससुराल भी यहीं पे है, तो उसका घर जो है गांव से थोड़ा दूर है, मतलब 1/2 किलोमीटर नीचे है। तो बहन के पास जाना ज़रूरी था, तो मैं सुबह जैसे उठा बहन के पास गया और ऊपर आते समय ना मेरी फट गई यार, इतनी चढ़ाई है ना मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ही ज़बरदस्त है। अभी थोड़ा यहाँ पे शहर बड़ो से तो मैं बोल थोड़ा बता देना आप लोग कि क्या चिकन है। तो यहाँ से जो है ना आधा गढ़वाल दिखाई देता है, पौड़ी, टीरी, रुद्रप्रयाग और चमोली। तो सो दिखाते हैं आपको यहाँ का व्यू। और मेरे साथ आ रखा था प्रियांशु नीचे तक और कुछ इस प्रकार है यहाँ का रास्ता, चढ़ाई का रास्ता। तो प्रियांशु भी जो है मेरा ही भांजा है, ये भी मेरी बहन का लड़का है। तो मैंने इसको सुबह सुबह बोला भाई चल मेरे साथ चल। और यहाँ सनराइज सुबह 7:30 बजे ही हो जाता है, वैसे रात खुलती है वैसे यहाँ सनराइज हो जाता है। और हमारे यहाँ पे लगभग आधा लगभग 2 घंटे के आसपास वेट करना पड़ता है धूप का, लेकिन यहाँ जैसे ही रात खुलते है वैसे धूप लग जाता है। तो यहाँ एक चीज़ की बेनिफिट है कि यहाँ धूप जल्दी लग जाती है। और यहाँ एक और बहुत ही बड़ी समस्या है, यहाँ पानी का प्रॉब्लम है। मैं जैसे सुबह उठा ना 6:30 बजे, तो यहाँ की जितने भी महिलाएं थी ना सबके पीठ पे पानी का डब्बा था, मतलब यहाँ पानी की इतनी कमी है ना कि पूरे गांव को जो पानी सरकार देती है उससे पूर्ति नहीं होती है। तो पूरी गांव की महिलाएं जो है ना डब्बा लेके कहीं दूर जाके ना पानी लेके आती हैं। तो सो बहुत मुश्किल काम है यार ये, सुबह सुबह उठ के 50 लीटर का गैलन पीठ पर रखना, उसके बाद पानी के लिए जाना। और भाई इस चढ़ाई पर ना मेरी तो फटी पड़ी है यार। यहाँ से जो है ना गढ़वाल साइड के भी जितने बड़े बड़े पर्वत हैं ना मुझे ऐसा लगता है कि सारे दिखाई देते हैं। लास्ट में है पौड़ी, श्रीनगर और तुम्हारा रुद्रप्रयाग हो गया, ऋषिकेश हो गया, ये टेरी का झील हो गया, लगभग लगभग थोड़ा बहुत हर कुछ दिखाई देता है। तो यहाँ से अगर बोला जाए ना आधा गढ़वाल दिखता है तो इसमें कोई गलत बात होगी नहीं। तो सो अभी हमको जाना है
उधार दिख रहा है, उधार के जस्ट नीचे जाना है। तो भाई मौसम में देख सकते हैं आप, हल्के से बादल लगे हुए, काफ़ी टाइम के बाद मैंने आज बादल देखे आसमान में। दोस्तों लगता है कि एक दो दिन में बारिश हो सकती है। तो ये है यहाँ से चढ़ाई का रास्ता। तो अभी हम हैं शादी वाले घर पे और मेहमान लोग ना अभी उठ के तैयार हो रहे हैं, और दूल्हा साहब तो देख सकते हैं अभी उठ के मतलब तुरंत बाहर आ रहा है। और पंडित जी देख लो, पंडित जी दूल्हे का दोस्त है, दोनों साथ में रहते हैं, एक ही यूनिट में रहते हैं। दोस्तों अभी हो रहे तैयार, और जो हमारे साथ सबसे बुजुर्ग सबसे बुजुर्ग आदमी है ना, ताऊ जी गुड मॉर्निंग, बोल नमस्कार, उठिया ठीक से। तो ये है ढोनिक गाँव ऊपर से लेके, और यहाँ देख सकते हैं ना किस तरह से गांव बसा हुआ है, एक घर के सामने पीछे बस जस्ट थोड़ा भी स्पेस नहीं है। जैसे हमारे गांव में क्या होता है ना, घर के पीछे से काफ़ी स्पेस रहता है, लेकिन यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ से शुरू हो जाता है ढोनिक गांव, और यहाँ से और एंडिंग तक, और कुछ उस साइड से है और कुछ इस धार के उस तरफ है। तो सो ये है शादी वाला घर, और जो ये घर है ना ये पूरा एकदम पुराना है। तो सो यहाँ पे मतलब नए वाले घर बने नहीं, और यहाँ पे कुछ कुछ ही मतलब जो है नए वाले घर बने हुए हैं, बाकी सब पुराने वाले मॉडल के हैं। और यही चीज़ जो है पुरानी संस्कृति थी, पुराने मतलब पुराने घर ऐसे होते थे उत्तराखंड के। तो सो अभी चलते हैं फिर घूमने के लिए, और अभी हमारा नाश्ता आ चुका है। नाश्ते में कड़ हो गए, सब्जी हो गई, तो सबके लिए हुई है, शुगर भी रखा हुआ, सलाद भी आ गए, और सारे लोग ना भी नाश्ता करेंगे। भाई कैसे रहा बराती में आपका, कह सही हुआ कैसे रहे पड़ी खातिर बड़े। और दूल्हा तो भूख, दूल्हा ने रात से खाना ही नहीं खाया, देख लो नाश्ता शुरू कर दिया पहले ही। और हम में ना सबसे सीनियर पर्सन है विजय भाई, तो विजय भाई अभी तक यहाँ रिश्तेदारी में जा रहे थे, अभी नाश्ता रेडी हो गया तो हमने फोन करके बुला दिया, अभी करेंगे नाश्ता में। विजय भाई आलू की सब्जी, दही होगी, सलाद हो गया। माचो तो भांग लू जाए तुम्हारी कुड़ियों पर, क्या जाए तुम्हारा कोई ना रही तुम पानी गोर खाए बाकी सब बेकार, बोतल भी चार हैं, पीने वाले बेकार हैं। यार तो यार शाम की 3 बज रहे हैं और ढोनिक से हम निकल चुके हैं, यानी मतलब घर जाने का टाइम हो गया है। और मतलब सुबह उठे, गांव में जो रिश्तेदारी थी, जो भी हमारे यहाँ की बहनों का ससुराल है, उनके साथ जितने भी बहनें थी ना गांव की, तो सारे सबके घर जाके ना, तो 12-1 बजे हम जहाँ बारात हो रही थी वो वाले घर पे पहुँचे। उसके बाद खाना खुना खाया, और उसके बाद दूल्हा और दुल्हन को तैयार होने में थोड़ा टाइम लग गया था, इसलिए लेट हो गया। तो अभी 3 बज रही है, और यहाँ तो नहीं हो रही शाम, क्योंकि यहाँ थोड़ा मतलब गंगारी इलाका है, हमारे यहाँ तो 3 बजे से मतलब शाम होना चालू हो जाता है, लेकिन यहाँ अभी धूप है, तो यहाँ लगभग 1-1.5 घंटा और धूप रहेगी। और हमारे गाँव में जो है ना धूप जो है ना मतलब बंद होना बंद, मतलब जिसको बोलते हैं घाम बूटना चालू हो गया होगा। तो सो अभी यहाँ से निकल चुके हैं हम लोग खाना खुना खा के, अभी चलते हैं रोड में, फिर थोड़ी करते हैं बरातियों का इंतजार, उसके बाद चलते हैं सीधे घर। पहुँच चुके हैं रोड में, और जैसे रोड में पहुँचे ना, स्कूल की भी छुट्टी हो चुकी है, तो गाड़ी भी तैयार होगी और स्कूल के बच्चों की भी छुट्टी होगी। तो मतलब ऑलमोस्ट 4 बज गए हमको रोड में आते आते, तो गाड़ी हो गई तैयार, तो जैसे बराती आएंगे वैसे निकल जाएंगे हम लोग। अभी दूल्हा और दुल्हन को आना बाकी है, तो जैसे दूल्हा और दुल्हन आएंगे तो हम निकल जाएंगे यहाँ से घर। हमको आए हुए यहाँ 1.5 घंटा हो गया, और दूल्हा और दुल्हन अभी आ रहे हैं। ये लगा सकते हैं कितना लेजी है यार, दूल्हा तो बहुत लेजी है यार, बहुत लेट गया यार उनका समझे। अब रामन पो करो ओण से हैं, मेहमान लोग आपसे नोड़ा गया पार देगा कग झाड़ दो उन्हें, कग झाड़ है कल सिर झाड़ कल सिर।
और रात की 9 बज रहे ना अभी यहाँ पे, और मेरा बर्थडे था भाई, लोगों ने यही रोड पे अरेंज कर रखा है मनोज भाई ने, तो थैंक यू। तो अभी यहाँ पे कटेगा केक, उसके बाद चलेंगे सीधे घर।